हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनस्टॉपेबल ब्लॉगर पे। तो बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था और आज छठ पूजा है जो हम बहुत ही पावन अवसर सा होता है। अभी हम लोग हैं आलम बाज़ार घाट पे और हम ऑफिस जाने में बहुत लेट हो गया इसलिए शूट नहीं कर पाया। तो अभी हम शूट कर रहे हैं और अभी जाते हैं घाट का साइड और दिखाते हैं। यहाँ पर मेरा मम्मी पापा और पूरा फैमिली गाँव में पूजा कर रहा है। सो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हम और सिर्फ मेरा भाई सनी जिसको आप जानते हैं, हम लोग बाइक पार्क कर लिए और हम और सनी सिर्फ यहाँ पे है और बाकी पूरा फैमिली गांव पे है। तो बहन को बोला है वहाँ का वीडियो बना के भेजने के लिए, तो वहाँ का वीडियो भी डालूंगा और संग में इसको भी डालूंगा। तो अभी जाते हैं घाट के साइड और देखते हैं क्या होता है। बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है, आज छठ पूजा है और थोड़ा सा उदास भी है क्योंकि घर नहीं जा पाए और कुछ रीज़न के वजह से। तो गाइस वहाँ पे बहुत ही भीड़ था घाट पे, वहाँ पे तो ये वीडियो बना नहीं पाया और आज का जो शाम का पूजा होता है वो तो समाप्त हो चुका है अभी और अंधकार भी हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं और घर के पास हैं, जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। इतना ज़्यादा भीड़ था घाट के पास, इतना ज़्यादा चलने का जगह नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है और उसको डालूँगा। तो गाइस आज है दूसरा दिन छठ पूजा का, महा जो पर्व है हम लोग का, आज इसका दूसरा दिन है और अभी सुबह के 3:30 बज रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आज हम लोग आए हैं नीमतल्ला घाट। तो नीमतल्ला घाट से अभी हम लोग जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, देखेंगे वहाँ पे और उसके बाद फिर हम लोग का जो चितपुर घाट है वहाँ पर मेरा बहुत सारा फ्रेंड लोग है, फिर वहाँ चले जाएंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ का घाट जो नीमतल्ला घाट है वो बहुत बड़ा है, इसके आगे भी घाट्स है लेकिन नीमतल्ला घाट मेरे घर से सामने पड़ता है, इसलिए हम लोग नीमतल्ला घाट आए हैं। और एज यूजुअल मेरे साथ मेरा भाई है सनी और मेरा एक फ्रेंड भी है, उसका पूजा यहाँ पे हो रहा है तो वहीं पे जाने का एक्चुअली प्लान है बैजू का वहाँ पे। तो अभी हम लोग आ गए हैं नीमतल्ला घाट और यहाँ पर थोड़ा सा दर्शन वर्शन करेंगे, देखते हैं घाट का वहाँ पर और देख के फिर यहाँ से जाएंगे बैजू भैया का, वहाँ पर आप तो जानते हैं बैजू भैया को, वहाँ पे जाएंगे उन लोग का जहाँ पूजा हो रहा है। हम लोग एक्चुअली घाट पे बहुत जल्दी आ चुके हैं इसलिए अभी पूरा खाली खाली है और धीरे धीरे सब आ रहे हैं और भर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और धीरे धीरे सब कोई आ रहा है। अभी सब आ चुके हैं बहुत लोग और बहुत लोग आएंगे, जब सब कोई आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे खड़ा होने का जगह नहीं मिलता। बट अभी सुबह के अभी 4:04:10 बाकी है और हम बहुत एक्साइटेड थे आज के लिए, आज का दिन के लिए बहुत एक्साइटेड थे इसलिए बहुत जल्दी आ चुके हैं। और
और इसीलिए ऐसा फील हो रहा है कि अभी पूरा फाका फाका है, लेकिन जब ये भीड़ हो जाएगा फिर उस समय का आप देखिएगा ना, आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा भीड़ होता है इस घाट पे। बट हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे देखने के लिए, क्योंकि हम लोग को जाना है चित्तूर घाट पे, क्योंकि वहाँ पे पूजा हो रहा है बैजू भैया का, और जो सुबह का अर्घ होता है वो मुझे देना है, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अभी हम लोग आलम बाजार घाट पे हैं और यहाँ पे सेफ्टी का भी पूरा इंतजाम है। लोग गंगा के बीचों बीच है, एक्चुअली ये एक लंच घाट है और लंच के ऊपर है, जो हम लोग का काशीपुर लंच घाट है उसके ऊपर है। और उस जगह पे आप जो मेरे पीछे जगह देख पा रहे हो, उस जगह पे बैजू भैया का पूजा हो रहा है और वहीं हम लोग जाएंगे। तो हम लोग सोचे अभी तो सूरज निकलने में अभी भी 15 से 20 मिनट का टाइमिंग है, सो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और सारा का सारा घाट भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये सारा घाट एक घाट नहीं है, ये अभी छठ पूजा के लिए हम लोग रेडी करते हैं फिर से, इसलिए और इस साइड का भी। एक्चुअली हम लोग का मेन घाट जो शर्मंगला घाट है, जो नौका देख पा रहे हैं वहाँ पे। समस्त माताओं बहनों भाइयों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। विगत कई वर्षों से सेवा करती चली आ रही सरस्वती संकीर्तन संघ सामने देख अपना शीशा में बांट दो।